तो कैसे हैं आप लोग गाइज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि Realme की तरफ से दो फ्लैगशिप डिवाइस 15th ऑफ मई को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। पॉपुलर लीकर ईशान अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले ही ये कंफर्म कर दिया था कि Realme की तरफ से हमें दो डिवाइस देखने को मिलेंगे, एक होगा Realme X और सेकेंड होगा Realme X यूथ लाइट एडिशन। और अब ये 100% कन्फर्म हो गया है कि Realme अब इन दो डिवाइस के थ्रू चाइना के अंदर डेब्यू करने वाले हैं। गाइज चाइना की बिगेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट जिनडोंग पर इन दोनों डिवाइस का नेम लिस्टेड हो चुका है और साथ ही साथ लॉन्च डेट भी यहां पर कंफर्म हो गया है। और Realme X डिवाइस का एक अपीयरेंस वीडियो भी YouTube पर लीक हो चुका है जहां पर आप Realme X डिवाइस का बैक पैनल देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme X और Realme X यूथ लाइट एडिशन डिवाइस के बारे में और बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस और इंडियन लॉन्च को लेकर। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सस्टैक बना। गाइस चाइनीज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वाइबो पर एक और पोस्ट सामने निकल कर आया जहां पर Realme इस अपकमिंग डिवाइस को अनवील करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं Realme X के बारे में। तो Realme X के साथ में आपको स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट मिलने वाला है। यहां पर आपको परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा क्योंकि यार फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर यहां आपको मिलने वाला है, तो यार परफॉर्मेंस तो फ्लैगशिप ही मिलने वाली है। फ्रंट साइड में ये डिवाइस नॉचलेस डिस्प्ले के साथ में आने वाला है, तो आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलने वाला है और साथ ही साथ फ्रंट कैमरा में आपको यहां पर पॉपअप कैमरा भी देखने को मिलेगा। बात करें रियर कैमरा की तो ये पहले ही कंफर्म हो चुका था कि ये डिवाइस ड्यूअल कैमरा सेटअप के साथ में आने वाला है जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जहां सोनी का IMX586 सेंसर यूज होगा और सेकेंडरी सेंसर जो होगा वो 5 मेगापिक्सल का एक डेप सेंसर देखने को मिलेगा। बैक साइड में ग्रेडियंट कलर कॉम्बिनेशन के साथ में आपको पैनल देखने को मिलेगा और जैसा कि इस फोन के बैक साइड में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया तो फोन के साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया जाएगा। बैटरी डिपार्टमेंट में आपको यहां पर 3580 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और ये वोक चार्ज 3.0 फ्लैश चार्जिंग के साथ में आएगी, मतलब आपको यहाँ पर 50 वोल्ट तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और गाइज अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग को लेकर तो मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में इसे कवर कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि माधव सेठ ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि Realme के फ्लैगशिप फोन की जो प्राइस है 15,000 से 20,000 तक के बीच में रहने वाली है। तो ये काफी अच्छा है कि आपको इतने कम प्राइस के अंदर फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है Realme X डिवाइस के साथ में। गाइज अब बात करते हैं Realme X यूथ लाइट एडिशन की, तो इस डिवाइस में कुछ मेजर चेंजेस के साथ में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है इसके प्रोसेसर को लेकर। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा डाउनग्रेड होके और मोस्ट प्रोबेबली वो स्नैपड्रैगन का 730 चिपसेट ही होने वाला है जो Xiaomi भी अपने नए अपकमिंग फोन में यूज करने वाला है। तो Realme और Xiaomi के बीच में सीधा सा कंपटीशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है इस डिवाइस के लॉन्च डेट की, तो चाइना में ये डिवाइस 15th ऑफ मई को लॉन्च हो जाएगा और जैसा कि Realme की तरफ से कहा गया है कि ये डिवाइस इंडिया में बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा, तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक तक आपको ये डिवाइस इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये था एक अपडेट Realme X और Realme X यूथ लाइट एडिशन को लेकर। Realme X के फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपकी कोई क्वेरी और सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।